नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज 24 लाइव। और मैं तुकाबाद मंदिर, यहाँ पर रविदास मंदिर है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। और मेरे साथ हिमांशु वाल्मीकि जी है, प्रदेश प्रभारी है, दिल्ली के जाने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, क्या मंदिर से हिमांशु जी फिर से बन पाएगा? मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा और इसी जहाँ पे, और 21 तारीख को जो है यहाँ पे शिलान्यास एक जो है मतलब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद हुआ, सभी संगत ने जब जो भी हमारे गुरु हैं, जो अभी हमारे गुरु हैं सब, उन्होंने सभी ने जो है उन्होंने 21 तारीख की डेट रखी है और दिल्ली में जो है बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। एक महीने पहले आप लोग इस मंदिर में आए थे और ऐसा आश्वासन दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये देखिए, ये मैं तो यही कहूंगा, ये तो चाल है सीधे सीधा आरएसएस और मनुवादियों की, ठीक है, क्योंकि वो जो है इतनी बड़ी जमीन है, वो इतना वो ये देखना नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जो है ये जमीन चुभती है, क्योंकि करोड़ों रुपए उनके हिसाब से, हमारा तो देखिए आस्था का केंद्र है, हमारा तो तीर्थ है, मगर उनके हिसाब से ये जमीन जो है कई हजार करोड़ रुपए की जमीन है। वो इसमें जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएंगे, अपने बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को ये बिल्डिंग सस्ते में देकर उनको जो है नोट कमवाएंगे। तो 21 तारीख को क्या होने वाला है? 21 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे देश से और पूरे मतलब सभी जितने भी लोग हैं रविदासी समाज के, वाल्मीकि समाज के, वो जितने भी सब लोग हैं जिनको आस्था है गुरु महाराज से, गुरु इनसे, तो वो सभी लोग, पूरी संगत और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता जो है दिल्ली में इकट्ठा होगा और मंदिर का पूर्ण निर्माण की यहाँ पे दोबारा मांग रखेगा। सरकार अगर किसको मांग नहीं मानती क्या करेंगे फिर, क्या क्या उग्र रूप लेने वाली भीम आर्मी? उग्र रूप ही होगा यहाँ पे। अब ये ना एक समय आ चुका है, ध्यान रखना, जब तक मतलब हम लोग शांत हैं तो बुद्ध के साथ हैं, मगर जब ऊपर चला जाएगा ना पानी तो युद्ध के साथ भी रहेंगे, समझ गए? अगर हमारे लोग जो हैं, हमारे लोग अगर रामायण भी कला एक हाथ अगर देखा जाए, एक हाथ में हमारे कलम है तो दूसरा हम शस्त्र उठाने में हम लोग जो है हिचक नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की सोई हुई जनता को तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग जो है यहाँ पे, यही तुकलकाबाद गांव है, यहाँ पे जो है 800 घर बताए जा रहे हैं, वो लोग उनमें से 800 में से यहाँ पे शायद ही यहाँ पे 80 भी लोग हों यहाँ पे, क्योंकि जितने भी सब लोग हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोग हैं भीम आर्मी के हैं, या कुछ जो है कुछ जो बुद्धिजीवी या जिनको जो है दर्द है गुरु महाराज से आस्था है, वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो। और तो सौ कौम सारी सोई हुई है, उस दिन भी सोई रहे, 21 तारीख को भी सोई रहे, इनको इनके अगर 21 को भी सोई रहे, सोना चाहे तो सो सकती है उसकी, अगर मतलब भीम आर्मी और पूरी संगत जो है 21 तारीख को जो है इनके बिना सपोर्ट के भी यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन जो है करके दिखा सकती है, मगर जो लोग सोए हुए हैं वो ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ जो कौम सोती है वो लाशें उठाने के लिए तैयार रहे। तो हिमांशु जो भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी हैं, बड़ा बयान हिमांशु जी ने दिया है कि हम बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध को भी मानते हैं, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा क्या वो बुद्ध की नीतियों को लेकर इस मंदिर को वापस करेगी या फिर बहुजन समाज से युद्ध करके, क्योंकि युद्ध में बहुजन समाज से जीतना उसको बहुत भारी पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपकी आवाज न्यूज 24 लाइव। थैंक यू बॉस। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।